सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से दूसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पाठ 4 पढ़ेंगे, जो पेज नंबर 20 पर है। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 20 पर आइए। पाठ 4, संज्ञा। संसार में मौजूद सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं। इन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में सभी प्राणियों, व्यक्तियों, जीव जंतुओं, वस्तुओं, स्थानों व भावों के नाम होते हैं। जैसे पहला व्यक्तियों के नाम, मीरा, महात्मा गांधी, अध्यापक। बच्चों, संसार में सभी प्राणियों, चाहे वो व्यक्ति हो या जीव जंतु हो या कोई भी सजीव प्राणी, और वस्तु, स्थान, भावों के नाम होते हैं। इन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पहला है व्यक्तियों के नाम। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं चित्रों के साथ, मीरा, महात्मा गांधी, अध्यापक। ये सभी क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। व्यक्तियों के नाम में आपका नाम, मेरा नाम या किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम हो सकता है। ये व्यक्तियों के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है जीव जंतुओं के नाम। यहाँ पर आपको 3 चित्र दिए गए हैं नाम के साथ, शेर, मोर, मधुमक्खी। जीव जंतु में कोई और जीव जंतु भी हो सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मोर, कोई और पक्षी, मधुमक्खी, तितली आदि। ये सभी क्या हैं? ये भी संज्ञा हैं। इनके नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा है वस्तुओं के नाम। चम्मच, थैला, चरखा। यहाँ 3 वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इनको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपके आसपास या संसार में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं, उन सभी के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा। वो आपकी पेंसिल भी हो सकती है, आपकी नोटबुक, आपका बैग आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। पेज नंबर 21 पर आएंगे। नंबर 4, स्थानों के नाम। यहाँ कुछ स्थान दिए गए हैं उनके नाम के साथ, मंदिर, चौराहा, आश्रम। किसी भी प्रकार के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र। किसी भी स्थान का नाम भी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे वो आपका स्कूल भी हो सकता है, विद्यालय, मंदिर, अस्पताल इत्यादि, ये सब नाम भी क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। नंबर 5, भावों के नाम। मिठास, लड़ाई, हरियाली। बच्चों, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, गुण, दोष आदि बताने वाले नामों को हम क्या कहते हैं? भावों के नाम। जैसे ये मिठाई है, तो मिठाई में क्या है? मिठास है। यहाँ स्थिति दिखाई जा रही है कि ये बच्चे लड़ रहे हैं, तो ये स्थिति क्या दर्शा रही है? लड़ाई। यहाँ पर ये स्थान दिखाया गया है, ये बगीचा है, यहाँ पर क्या है? हरियाली। तो ये इसका गुण है। तो ये सारे भावों के नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहे जाते हैं। इसी प्रकार संसार में मौजूद हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का एक नाम होता है। उन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं।